दोस्तों आज अपन देखेंगे राजस्थान के भूगोल के टॉपिक सिंचाई परियोजना से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाब द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या नहरों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, कुएं और नलकूपों द्वारा। दोस्तों राजस्थान में जो सिंचाई होती है उसका 68% कुएं और नलकूपों द्वारा होता है, और 30% नहरों द्वारा होता है, और 1% तालाब द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं एवं नलकूप से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है, मतलब कौन से जिले में सबसे ज्यादा कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है, जयपुर, भरतपुर, अलवर या धौलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, जयपुर। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि नहरों के द्वारा कौन से जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, तो गंगानगर में। अगर आपसे पूछे तालाबों से किस कौन से जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, तो भीलवाड़ा में, और कुएं नलकूप का पूछे तो जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है, व्यास, सतलज, झेलम या रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, सतलज। दोस्तों ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये काफ़ी बड़ी है, इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। इसे 1984 के बाद में इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर रखा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहर है ना, इसी नहर में से आपके जो क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसमें से 10-12 क्वेश्चन इसी नहर में से बनाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई, कब इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, 31 मार्च 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पानी का पीने का पानी प्रदान करती है। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है ये अपने जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों अगर अपन जिलों की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर सिंचाई देती है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सभी जिलों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है गडरा रोड, लूणकरणसर, मोहनगढ़ या जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, मोहनगढ़, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान रखें। अगर एक बार में याद नहीं होते हैं तो इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या चूरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है। दोस्तों इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, 445 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना है, चंबल परियोजना, माही परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या बिसलपुर परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर या गंग नहर या माही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को अपन मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम है, इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आप ध्यान रखें, इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है, महाराजा गंगा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत या कंवर सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन, कंवर सेन। दोस्तों जो सबसे पहले ये नहर जो पश्चिमी राजस्थान में इधर नहर ले जाने का आइडिया कंवर सेन को ही आया था, इसीलिए कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो कंवर सेन के दिमाग की उपज है, और इसका जो प्रारूप बनाया था वो भी कंवर सेन ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, 7। जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें कितनी लिप्त नहरें हैं, 7, और इन सभी के
ये कहाँ पे बहती है, इनके पुराने नाम क्या थे, नए नाम क्या है, ये सभी चीज़ें अपन एक टेबल फॉर्म इसमें इस वाली स्लाइड में देख लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इनको कहीं ना कहीं अपने कॉपी पेन लेके उतार लेना। जो इंदिरा गांधी नहर से जो लिप्त नहरें निकाली गई है वो है, वो 7 नहरें हैं, उनके अपन एक एक करके नाम देखते हैं। सबसे पहले कंवर सेन लिप्त नहर, जिसे पहले लूण करण सेन लिप्त नहर के नाम से जाना जाता था, यह पहली और सबसे लंबी लिप्त नहर है। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे ये सिंचाई करती है, तो गंगानगर और बीकानेर में। आप ये ध्यान रखें कि ये सबसे पहली और सबसे लंबी नहर है, कंवर सेन लिप्त नहर। उसका दूसरे नंबर पे चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर, जो जिसे पहले नोहर सोलवा लिप्त नहर के नाम से जाना जाता था, जिसके जो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिलों में सिंचाई करती है। नेक्स्ट तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर, इसे गजनेर लिप्त नहर के नाम से जाना जाता था पहले, और ये कहाँ कहाँ सिंचाई होती है, तो बीकानेर और नागौर जिलों में। उसके बाद चौथे नंबर पर गुरु जम्बेश्वर लिप्त नहर, जिसे पहले फलोदी लिप्त नहर के नाम से जाना जाता था, जो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में सिंचाई करती है। डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर, ये इसे पहले कोलायत लिप्त नहर के नाम से जाना जाता था, जो बीकानेर, जोधपुर में सिंचाई करती है। उसके बाद छठे नंबर पर जयनारायण लिप्त नहर, जिसे पोखरण लिप्त नहर के नाम से जाना जाता था, और जो कि जिससे जोधपुर और जैसलमेर में सिंचाई की जाती है। सातवें नंबर पर वीर तेजाजी लिप्त नहर, जिसे पहले बांगड़सर लिप्त नहर के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे छोटी लिप्त नहर है, और ये बीकानेर में इससे सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सेन लिप्त नहर किस शहर को पानी, पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलायत लिप्त नहर का नया नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर। दोस्तों जो टेबल थी उसी में से एक क्वेश्चन आ रहा है ना, आप अच्छे से ध्यान रखने, वो जो मैंने अभी स्लाइड लगाई थी सारे 7 नहरों की, उसे आप अच्छे से ध्यान रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिप्त नहर थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, कंवर सेन लिप्त नहर। ये पहली इंदिरा गांधी पर पहली जो लिप्त नहर बनाई गई थी वो कंवर सेन थी, अपन उस स्लाइड में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जिले में गजनेर लिप्त नहर से लाभान्वित होता है, कौन सा जिला जो है वो गजनेर लिप्त नहर से लाभान्वित होता है, तो बीकानेर और नागौर, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंवर सेन लिप्त नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर या चूरू, झुंझुनू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बीकानेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा, नांगल, माही, व्यास या चंबल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, चंबल। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, जो चंबल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर सिंचाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा, नांगल, माही, व्यास या चंबल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है, विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई उद्योगों की जल आपूर्ति हेतु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, सिंचाई। दोस्तों चंबल पर जितने भी अपने सिंचाई नहरें निकाली गई है, जितने बांध बने हुए, जो चंबल पे जो बांध बने हुए उन सब उनमें से एकमात्र कोटा बैराज ही बांध है जिसे सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है, बाकी सभी से विद्युत बनाई जाती है ना। अपने चंबल पे एकमात्र ऐसा बांध बना हुआ है कोटा बैराज जो कि जिसका पानी सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 2162 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उत्तर प्रदेश राजस्थान या पंजाब राजस्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, गुजरात राजस्थान। जो माही बजाज सागर जो परियोजना है वो किन किन के बीच मिलकर बनी है, तो गुजरात और राजस्थान के। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, 45% और 55% गुजरात का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झलावाड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बांसवाड़ा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हम सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जो आपके नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सारी क्लासे बन रही है, तो आपने अगर हमारी पहले की क्लासे नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है, चंबल, बनास, व्यास या जाखम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, बनास से। जो बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है, बनास नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है, जयपुर, टोंक, अजमेर या भीलवाड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, टोंक। जो बिसलपुर सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, जालौर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर, यस, ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकल या फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? दोस्तों, ये एक ऐसी नहर है जिसमें और किसी भी माध्यम से आप सिंचाई नहीं कर सकते, आप अपने खेत में फव्वारा लगाकर ही सिंचाई करनी पड़ेगी आपको, तभी यहाँ से आप पानी ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, नर्मदा नहर परियोजना। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसी नहर जिससे ओनली जब पानी लेते हैं तो सिर्फ फव्वारा सिंचाई से ही अपने सिंचाई कर सकते हैं, तो कौन सी नहर है, नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, नर्मदा नदी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, हनुमानगढ़। कौन सा जिला है जिसमें भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया? तो इसका जो निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने, वो 1927 में करवाया था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सीकरी नहर या कृष्ण गोदावरी नहर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, गंग नहर। दोस्तों, विश्व में सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंग नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, उदयपुर। जो मानसी वाकल परियोजना है इसका उद्देश्य उदयपुर में पेयजल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन, जवाई बांध से। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, भरतपुर। जो गुड़गांव नहर है वो उससे कौन से जिले को पानी उपलब्ध होता है? तो भरतपुर को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर, प्रतापगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन, प्रतापगढ़। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना का राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जो अपने बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं चल रही है अपने भारत में, इनमें इनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, नेहरू है ना, नगरी नहीं है, यहाँ पे नेहरू आएगा, नेहरू। दोस्तों, ये थे आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये हम बिल्कुल नए सिलेबस से, नए जिलों के अकॉर्डिंग और बहुत अच्छे तरीके से आपके सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। और आप अगर पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।